हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है FSL। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 115.35, लो गया था 111.75 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया था 1.26% एंड उस दिन यह शेयर आपका क्लोज हुआ था 112.35 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹7,830.69 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹7,831.29 करोड़ एंड पीई रेशियो है 20.2। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹16.24 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.01। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.02। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹5.56, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.47% एंड ROCE है 20.69%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 101.44% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 40.94%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये जो कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 53.66%, पब्लिक का होल्डिंग है 23.8%, DII का होल्डिंग है 14.75% एंड FII का होल्डिंग है 7.79%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 53.66% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। मार्केट के 80% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी ने हर एक ईयर में अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया एंड कॉन्टिन्यूसली आपका प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ पे देखिए एक आपका इंडिसिशन कैंडल फॉर्म किया एंड उसके बाद वाला मतलब आपका 27 मई के दिन यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैंने डिलीट कर देता हूँ इसको पूरा, तो आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपका 27 मई के दिन पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इसी कैंडल में सुपर 10 डे बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड तब से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो देखिए RSI भी 40 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपटर्न हो चुका है। अगर हम लोग MACD की बात करेंगे तो देखिए MACD यहाँ पे आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था। ओके, गिरते गिरते यहाँ पे देखिए जो लास्ट कैंडल है उसके पहले वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए, जो इस पैटर्न पे एक कैंडल फॉर्म हुआ है इसको बोला जाता है आपका हैमर पैटर्न का कैंडल। मान लीजिए कोई भी शेयर बहुत दिनों से गिर रहा है, उसके बाद अगर ऐसा पैटर्न का कैंडल फॉर्म होता है और उसके बाद वाला कैंडल जो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल अगर पॉजिटिव फॉर्म होता है तो इसको माना जाता है आपका ट्रेंड रिवर्सल। मतलब यहाँ से अभी टेक्निकल जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि अभी यहाँ से ये शेयर आपका रिवर्स कर सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, और एक चीज देखिए, अभी मैंने क्या किया, इस चार्ट पे पिवोट पॉइंट बोल के जो इंडिकेटर है उसको अप्लाई कर लिया। किस लिए अप्लाई कर लिया, आप लोगों को सपोर्ट जोन दिखाने के लिए। तो देखिए ये शेयर आपका जैसे कुछ वीक से गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ वीक से गिर रहा था, लेकिन गिरते गिरते ये शेयर जब भी ये पिवोट पॉइंट का जो सपोर्ट लेवल इसके नजदीक आया इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए लास्ट वीक में यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो देखिए RSI जो 40 का लेवल है उसको नीचे
तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI का जो लाइन है, ये वाला लाइन थोड़ा सा मुड़ चुका है, मतलब RSI भी यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और MACD देखिए एक आपका न्यूट्रल जोन पे ही है, मतलब वीकली चार्ट में भी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये शेयर आपका बहुत दिनों से गिर रहा था, सपोर्ट जोन पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एंड इसका जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे हम लोगों को रिवर्सल होने का आपका सिग्नल दे रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 112, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 6 से 7 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि 6-7 महीने के अंदर ये शेयर आपका 170 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।